दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर, इनको फसलों में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। के प्लस एस का सोल्यूट मिक्स टू नाम से ये आता है, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट एक साथ हैं। तो इसका आप इस्तेमाल फसलों की कौन कौन सी अवस्थाओं में किस किस तरीके से और कौन कौन से फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके आपको यूज करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए, अपने फसलों में किसी भी टाइप की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आए, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी नहीं आए, उसके लिए आपका बेस्ट तरीका कौन सा होना चाहिए इसको यूज करने का। फसलों में अभी पीलेपन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है साथ ही, तो उसके लिए भी आपको इसके साथ में और अन्य कौन से फर्टिलाइजर मिला करके यूज करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों ये देखिए दानेदार फॉर्म में आता है ये, ये देखिए। तो दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर जो कि के प्लस एस का सोल्यूट मिक्स टू नाम से आता है, इसमें टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें 1% मैग्नीज आता है, EDTA फॉर्म में है ये, 1% ही कॉपर आता है, 2.5% आयरन आता है, 3% इसमें जिंक आता है जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में है। अभी सर्दियों के समय में जिंक की डिफिशियंसी से ही पीलापन फसलों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्पेशली गेहूं की फसल है तो उसमें जिंक की डिफिशियंसी से पीलापन ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही इसमें 0.1% मोलिब्डेनम है और 0.5% बोरोन है। तो जो मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिनकी फसलों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है वो इसमें सभी अवेलेबल हैं। बात की जाए दोस्तों इसको फसलों की कौन कौन सी अवस्थाओं में इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तो जब भी आप बेसल डोज डाल रहे हैं उस समय अगर फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं जैसे कि यूरिया है, DAP है, SSP है या कोई NPK फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसके साथ में किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करके आप डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं उनके साथ में भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये EDTA फॉर्म है तो किसी भी तरीके का रिएक्शन फर्टिलाइजर्स के साथ में नहीं होगा, इसलिए आप सभी के साथ में मिला करके डाल सकते हैं। सेकंड अवस्था है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट पानी, सेकंड पानी या थर्ड पानी या प्याज लहसुन की खेती कर रहे हैं, यानी ड्रिप से सिंचाई आप नहीं कर रहे और किसी भी पानी के साथ में कोई भी फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं फर्स्ट पानी के समय, सेकंड पानी के समय या थर्ड पानी के समय, तो उन फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करके छिड़काव विधि द्वारा भी आप डाल सकते हैं। थर्ड है दोस्तों कि आपकी फसल में पीलापन की समस्या है, अभी सर्दियों के समय में जो भी फसलें हैं और स्पेशली गेहूं की फसल है उसमें पीलेपन की समस्या आती है, और स्पेशली अभी दीमक वगैरह की समस्या नहीं आती है, मार्च से पहले दीमक की समस्या सर्दियों में नहीं आती है, तो उस चीज़ पर आप ना जाइए, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कीजिए या फिर आप छिड़काव विधि द्वारा अपनी फसलों में डाल दीजिए या पानी द्वारा आप अपनी फसलों में चलाइए। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि इसको आप ड्रिप विधि द्वारा या स्प्रिंगलर से सिंचाई करें तो स्प्रिंगलर से भी पानी के साथ में भी आप इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट आप स्प्रे भी इसका कर सकते हैं, यानी कि जो आप आसान तरीका आपको लगता है, जिस तरीके से आप खेती करते हैं उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी तरीके से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। परफेक्ट डोज की बात की जाए तो इसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कोई फर्टिलाइजर के साथ में आप छिड़काव विधि द्वारा डाल रहे हैं या फिर आप बेसल डोज में डाल रहे हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता फसलों में कम होती है। प्राइमरी पोषक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सेकेंडरी पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कम आवश्यकता होती है। तो इसको आप 1 kg भी अगर आप 1 एकड़ में यूज करेंगे तब भी आपकी फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आप डाल सकते हैं दोस्तों छिड़काव विधि द्वारा, उसमें भी आप 500 ग्राम से 1 kg तक डाल सकते हैं फसल की किसी भी अवस्था में। ड्रिप से अगर आप चला रहे हैं, ड्रिप से खेती करते हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं या प्लांट्स हैं आपके पास, तब आप ड्रिप से भी 500 ग्राम से 1 kg तक ड्रिप से किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके चला सकते हैं। स्प्रे की डोज जरूर ध्यान रखें दोस्तों, स्प्रे में इसकी डोज लेनी है
आधा ग्राम से एक ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके किसी भी टाइप की फसलों में या पौधों में आप स्प्रे कर सकते हैं। एक एकड़ के लिए कम से कम 200 लीटर पानी लेना चाहिए। 200 लीटर पानी में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक आप इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? अगर पीलेपन की समस्या है या किसी भी टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ रही है, जो पोषक तत्व इसमें मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो बेस्ट रहेगा कि दोस्तों आप इसका स्प्रे करें या फिर आप ड्रिप से चलाएं, या पानी अगर आप स्प्रिंगलर से चला रहे हैं तो स्प्रिंगलर से भी आप चला सकते हैं। किसी भी अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट मिले और कम से कम खर्चा हो, तो इसमें बोरोन भी है, इसमें जिंक भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कॉपर भी इसमें है, आयरन भी है। तो फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने से पहले अनाज वर्गीय फसलों में दाना भरने से पहले आप इसको एक बार जरूर यूज कर लीजिए। फ्लोवर्स ज़्यादा मात्रा में आएंगे, ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है, बोरोन की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आती है, फेरस की वजह से समस्या आती है, जिंक की वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, दाना प्रॉपर मात्रा में नहीं भरता है। तो इस तरीके से दोस्तों फ्लोरिंग स्टेज में या फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले कम से कम आपको एक बार जरूर यूज करना चाहिए किसी भी टाइप की फसलों में। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।